इस टॉपिक के अंदर तकरीबन हमने अपना ड्रा मेन्यू जो है वो कंप्लीट कर लिया और उसकी बिल्कुल लास्ट जो हमारे पास ड्रा मेन्यू की टूल है एंड दैट इज टेक्स्ट कमांड उसको हम इन आने वाले जो दो तीन टॉपिक्स होंगे उसमें कवर करेंगे टेक्स्ट एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कमांड है कैड के अंदर नॉट जस्ट इन कैड इन एनी सॉफ्टवेयर इन आर लाइफ हमारी ज़िंदगी में भी बहुत अहम है और हर सॉफ़्टवेयर में अहम है अब बात करते हैं जिस तरह हमने बात की जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आगे जाके अगर आप कभी आपका वास्ता पड़े अब बात करते हैं थ्री मैक्स जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको यू नीड टू

क्योंकि जब टेक्स्ट नहीं होगा तो आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते चीज़ों को आप एक हाउस प्लान देखते हैं सपोज आप एक सिटी देखते हैं आप कोई भी चीज़ देखते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि ये जो है दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्लाजा है ये कोई स्ट्रीट है ये कोई रोड है जब तक आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन ना हो इसकी लेटेस्ट जो ऐसे ही हम एक एप्लीकेशन देख देख लेते हैं दैट इज़ गूगल मैप अब सारे तकरीबन कहीं ना कहीं लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गूगल मैप्स की हम बहुत सारी एप्लीकेशन देख रहे हैं सपोज ऐसा फर्ज करते हैं हम कि आप गूगल मैप देख रहे हैं और गूगल मैप में से वो इन्फॉर्मेशन हम उठा लें वो नाम हम हटा लें जब ये नाम गूगल मैप से हट जाएंगे तो आप कुछ देख आपको तो कोई इंटरप्रेट ही नहीं कर रहा कि ये रोड कौन सी रोड है ये रोड कहाँ जा रही है आगे कौन सी बिल्डिंग आ रही है सो इट मीन्स टेक्स्ट कमांड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कमांड करती क्या है ये आपकी एब्सेंस में आपके काम को एक्सप्लेन कर रही होती है हम जब आगे जाके प्रोजेक्ट करेंगे और विल विल मेड क्रिएट अ हाउस प्लान विल डिज़ाइन अ हाउस जब हम एक घर की डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे ले डिज़ाइनिंग तो साथ हम उसकी ए टू जी डिटेल्स लिख देते हैं क्योंकि आप तो हर जगह मौजूद नहीं है आप ना अथॉरिटी जहाँ समीशन के होने जा रही है ना वहाँ पर आप मौजूद हैं सो so, आपकी गैर मौजूदगी में टेक्स्ट कमांड क्या करेगा वो चीज़ें बता रहा होगा कि इसमें डोर कौन से हैं इसमें विंडोज़ कौन सी हैं उन विंडोज़ का साइज़ क्या है डोर का साइज़ क्या है इसके साथ ड्राइंग कहाँ जमा हो रही है सबमिशन uh, कराने वाला कौन है इसमें जो uh, 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 ये वाला बेडरूम है इसका साइज क्या है तो ये सारी चीजें आपका टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा होगा सो कटिंग शॉर्ट टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड इन इन कैड और यू मस्ट हैव और आपकी strong, uh, एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन यू मस्ट है अब uh, जब हम बात करते हैं सिंगल uh, लाइन और मल्टा लाइन टेक्स्ट मल्टी लाइन भी कह सकते हैं मल्टाई लाइन भी कह सकते हैं स्टार्ट में हम सिंगल लाइन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स मल्टी लाइन और फिर हम विल सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड तो uh, बढ़ते हैं कैड की तरफ ताकि हम फॉर्मली uh, जो है इस कमांड को ऑपरेट करके देखें सी so, हमारे पास हमारी प्रीवियस ड्राइंग जहाँ पे हमने कंप्लीट की है इनको फिलहाल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी हमने ऑलरेडी और ये यूसीएस अगेन आइकन को भी हम uh, यहाँ से फिलहाल यूजर uh, uh, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको भी हम ऑफ कर देते हैं सो so, हम स्टार्ट करने लगे हैं टेक्स्ट uh, कमांड और स्टार्ट में हम देखेंगे कि अगेन वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शन टू एग्जीक्यूट दिस दिस कमांड टू यूज दिस कमांड टू रन दिस कमांड विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ड्रा मैन्यू ड्रा के अगेन uh, 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 we'll uh, हम uh, ये देख लें आप तो so, बिल्कुल लास्ट uh, हमारे पास जो है वी आर हैविंग ऑप्शन ऑफ सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट सो विल स्टार्ट फ्रॉम सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड देन डेफिनेटली आगे जाके हम प्रोसीड करेंगे मल्टीलाइन uh, टेक्स्ट की तरफ सो so, हम जैसे ही यहाँ सिंगल लाइन टेक्स पे कमांड कमांड uh, पे क्लिक करेंगे सो so, नाउ हमारे पास ऑप्शन है. So, so, तो हम है कि आप खुद से बता दें स्टार्ट पॉइंट या आप क्या स्पेसिफाई कर दें एक्स और वाई को इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हम यूनिट स्पेसिफाई कर दें तो so, ये खुद ब खुद जहां पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीरो जीरो है तो so, जो आप स्पेसिफाई करेंगे ये खुद ब खुद आपको उस जगह पे टेक्स्ट ड्रा करेगा नॉर्मली क्योंकि हम वर्क कर रहे होते हैं ड्राइंग में हमें पता होता है कि हमने यहां से यहां तक लाइन लगानी है सो so, स्पोज uh, कोई भी पॉइंट यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं पहली क्लिक आपने की मैसेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैसेज है कि टेक्स्ट स्पेसिफाई हाइट सबसे पहले यू नीड टू स्पेसिफाई हाइट ऑफ द टेक्स्ट कि टेक्स्ट को मैं uh, किस साइज में डेफिनेटली अगर आप इसको ज़्यादा एलोबोरेटिव वे में देखना चाह रहे हैं तो हाइट हम थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे सो so, से uh, अभी हमें कोई आइडिया नहीं है तो हम इसकी टू फीट हाइट रख लेते हैं और वट इज आस्किंग इज़ आस्किंग टू स्पेसिफाई एंगल एज वेल तो एंगल हम बाद में स्पेसिफाई करके देखते हैं फिलहाल हम जो भी आ रहा है और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं जैसे ही हमने एंगल और हाइट स्पेसिफाई की स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन मौजूद है अब आप टेक्स्ट लिखना शुरू करें सपोज हम लिख देते हैं पाकिस्तान इज अब ये बड़ा लिखा जा रहा है तो इसको हम थोड़ा सा माउस से ड्रैग कर नीचे कर लेते हैं इज करसर मैंने मूव किया इज माई बिलव बिलव इट बिलव इट कंट्री पाकिस्तान जो है कोई भी आपने एक्स वाई जी टेक्स्ट हमने लिखा और अब अगर तो आप यहाँ पे जैसा नॉर्मली हम uh, एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो कमांड एंटर हो जाती है बट अगर अब यहाँ पे हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन हमें अलाउ करेगा लिखने के लिए लाइक दिस वन सो so, जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया ये कमांड एंड नहीं हुई बल्कि हमारे मेरे पास एक और ऑप्शन आ गई है कि नाउ आई कैन राइट अनदर लाइन एज वेल कुछ भी आप लिख सकते हैं डी जी स्किल्स फॉर एग्जाम्पल हमने तो ये हमारे पास ऑप्शन है अगर मैं और एंटर करूंगा तो ये और नीचे ले जाएगा और एंटर तो और सो so, यहाँ पे और जब भी आपने इसको एंड करना होगा तो हम बाहर क्लिक कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये हमारा एंटर कर देगा लाइक like, अगेन अगर आप हम यहाँ पे इसको Uh, जो है uh, ड्रॉ से या अब इसकी शॉर्ट की हम देखते हैं डी टी डी टी इज अ शॉर्ट की फॉर सिंगल लाइन टेक्स्ट सो एंटर करते हैं कहीं पे भी क्लिक की जो हाइट हमने दी ऑलरेडी वही दे रहा है हम उसको भी ओके okay करते हैं एंगल भी और अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं तो ये कुछ भी लिखा जा रहा है ए बी सी डी आप लिखना चाह रहे हैं सो so, एंटर करते हैं आप तो ये नीचे ले जाता है अब आप कहीं पे भी बाहर क्लिक कर दें तो ये एंड हो गया है और एक और स्टार्ट हो गया है तो आप स्केप का बटन अगर हम प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली एंड हो गया है सो so, ये यह यहाँ पे भी हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और कुछ यहाँ पे भी लिखे हैं अब इसको डिलीट करना है और इसको अगर एडिट करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम इसमें से कुछ डिलीट या हम प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं अब अगेन डी टी एंटर सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड एंटर की पहला पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया अब अगेन हाइट ऑफ द टेक्स्ट जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो हम रख लेते हैं और अब हम एंगल पे बात करते हैं से वी वॉन्ट टू राइट एनी टेक्स्ट ऑन ऑन फोर्टी फाइव एंगल सो so, अब आप देखें तो फोर्टी फाइव के एंगल पे ही टेक्स्ट क्योंकि हमने हाइट नाइन फीट रख दी है सो तो हाइट काफ़ी ज़्यादा है सो तो पाकिस्तान इज इज इज़ माई ब्यूटिफुल कंट्री या पाकिस्तान इज अफुल पाकिस्तान इज पाकिस्तान एक प्यारा मुल्क है कुछ भी आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह हम uh, कोई भी चीज़ uh, जो है वो वी कैन स्पेसिफाई वी कैन राइट और आप बाहर क्लिक कर दें और जेड एंटर ए एंटर या वापस तो ये हमने कुछ भी लिखा इसको अगेन इफ यू वांट टू मेक एनी चेंज सो जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट और इसको हम डिलीट कर देते हैं तो ये हमारे पास कोई लाइन है तो ये हमने जस्ट uh, डी जो है वो अगर कमांड uh, प्रेस की है अब अगर हम जैसे ही डी एंटर करते हैं तो पहले तो हमने क्या किया था हमने फर्स्ट क्लिक कर दी और फिर हमने उसकी हाइट और इसके ऊपर वर्क किया अब सपोज आप पहली क्लिक ना करें जस्ट डी टी एंटर नाउ वट इज आस्किंग एक नीचे मैसेज आया है बिफोर क्लिकिंग कहीं पे क्लिक नहीं करनी जस्ट उसकी शॉर्ट की एंटर की है और ये शॉर्ट की आप अपने पास नोट करें बड़ी इंपॉर्टेंट है आगे का इस्तेमाल भी आती रहेगी सो ही इज आस्किंग अस बेसिकली टेक्स्ट स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ ऑफ टेक्स्ट आर जस्टिफाई या स्टाइल तो so, यहां पे बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस हैं पहले हमने इन, इन इस ऑप्शन को इग्नोर किया था हमने ये पहला पॉइंट अब हम सपोज जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं जैसे ही हमने जस्टिफाई पे क्लिक किया हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन आ गई हैं टेक्स्ट लिखने की जिसमें लेफ्ट है सेंटर है राइट right है अलाइन है अब वो मैं कह रहे हैं कि आप टेक्स्ट करें उसको अलाइन करें उसको मिडल में ले जाएं अलाइन कमांड भी हम आगे जाके पढ़ेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है राइट right करें सेंटर करें लेफ्ट करें सो so, का मतलब है कि कोई हमने टेक्स्ट लिखना है जिसको हमने किसी चीज के सेंटर में रखना है किसी से राइट करना है तो इससे पहले हम स्केप का बटन प्रेस करके एक लाइन जरूर ड्रॉ कर लेते हैं आर्थो ऑन करके ताकि ये कमांड्स हमें बहुत आसानी से समझ आ सके सपोज ये एक लाइन है और इसको हम यहां से कर देते हैं डिलीट अब हम दोबारा डी टी एंटर जस्टिफाई पे करते हैं क्लिक सबसे पहले सपोज हम इसमें से आ, कर लेते हैं अलाइन अब अलाइन क्या करता है अलाइन पे हमने की क्लिक अब सबसे पहले वो हमें कह रहा है टेक्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टेक्स्ट अलाइन क्या होगा कि हमने बेसिकली अब यहाँ पे दो जो है वो सेंटर पॉइंट दो इसको पॉइंट दे देंगे और हम इसे बताएंगे कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने जो है वो उस टेक्स्ट को अलाइन करना है लिखने आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है और आप क्विकली खुद ब खुद जैसे हम इस कमांड के ऊपर वर्क करेंगे ये हमें वर्क करके देगी सो so, ये मेरे पास फर्स्ट और ये जो है सेकेंड पॉइंट ये वाला है अब हम टेक्स्ट जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमने इसकी हाइट कम रखी हुई थी क्योंकि और वो ये अब सपोज हमने कुछ भी आप ए बी सी डी हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ये, अब नोट करें दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये क्या करेगा ये अब उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमने स्पेसिफाई किए हैं उसके विद इन ये टेक्स्ट लिखता जा रहा है और जितना आप टेक्स्ट बढ़ाते जाएंगे उनका क्योंकि हमने लिमिट्स उसको बता दी हैं कि आपने एक ये वाली लिमिट लेनी है अगर हम वापस आए तो ये हमने दो लिमिट्स दी थी अब इस इस लिमिट्स के दरमियान अगर तो आप वर्ड कम लिखेंगे तो इनकी डेफिनेटली वो हाइट बढ़ाएगा और अगर आप अल्फाज बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये उसी दो पॉइंट के अंदर आपके सारे टेक्स्ट को एडजस्ट करता जाएगा लास्ट जो है बाकी हम ऑप्शन अगले टॉपिक में देखेंगे इस टॉपिक का लास्ट ऑप्शन अगेन अलाइन ने क्या किया दो पॉइंट दिए उसके दरमियान टेक्स्ट लिखा सो डी टी एंटर और हमने जस्टिफाई पे क्लिक किया और हम यहां पे सेंटर की बट ऑप्शन देख लेते हैं इसके बाद रेस्ट ऑफ द ऑप्शन विल सी इन ए नेक्स्ट टॉपिक सो जैसे हम सेंटर पे क्लिक करते हैं तो व्हाट इज आस्किंग स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ये हमारा uh, जो है वो ये सेंटर पॉइंट है हमने ये स्पेसिफाई कर दिया अब वो पूछ रहा है टेक्स्ट हाइट बताएं कोई भी हाइट आप दे दें तो हम जो भी आ रही है हम उसे एंटर कर देते हैं और वो एंगल पूछ रहा है तो एंगल फिलहाल हम uh, चले फोर्टी फाइव का दे लेते हैं जो आ रहा है और अब आप लिखना स्टार्ट करें अब ये करेगा क्या ये आप नोट करें ए बी सी डी जो भी आप लिखना चाह रहे हैं

टेस्ट नहायती ही इम्पॉर्टेंट कमांड है और हम इसको काफ़ी जगह पर आगे जाके इस्तेमाल करते रहेंगे और देन वी हैव सीन कि हमने सिंगल लाइन टेक्स्ट को किस तरह एग्जीक्यूट करना है रन करना है ना आटो कैड और हमने उसके मल्टीपल ऑप्शन भी देखे ड्रा करने के और जस्टिफाई कमांड के अंदर हमने एक दो ऑप्शन को परफॉर्म किया सो so, रिमेनिंग जो ऑप्शन हैं हम क्विकली कुछ परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बाकी आप पे छोड़ देंगे ताकि आप इसको ख़ुद से प्रैक्टिस करें और जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही आगे जाके हमारी क्रिप मज़बूत होगी और हमारा प्रोजेक्ट अच्छा होगा thank <laughs> you